शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अजीब पागल मरीज है, इसे इंजेक्शन दिया भी नहीं और चिल्ला के चला गया। मेरी समझ में नहीं आता ये गांव वाले मुझे इंजेक्शन लगाने क्यों नहीं देते। नेक्स्ट। राम राम तोला राम। है ये क्या बदतमीजी है, राम राम सियाराम कहा जाता है और तुम राम राम तोला राम कह रहे हो। नहीं नहीं, राम राम हम आपको कह रहे हैं और तोला राम हम अपना नाम बता रहे हैं। अच्छा अच्छा ये बात है। अच्छा बताओ कि तकलीफ क्या है। बहुत वाहिया तकलीफ है साहब। जरा हाथ दिखाओ। उल्टी जुलाब होते होंगे। हट, उल्टी जुलाब तो बच्चा लोग करते हैं, हमको का उल्टी जुलाब होगा। बहुत ज्यादा कपकपी होती होगी, बदन ऐसे कांपता होगा जैसे चिपकली की कटी दुम। अरे नहीं, कहाँ कटी भी दुम हिला रहा, कोई दुम नहीं हिलती यार। अच्छा अच्छा तो क्या बीमारी है बताओ तो। शर्म आती है साहब। हाँ गुप्त रोग है। हट, क्या गंदी गंदी बात करते हो, तेरी माँ बहन नहीं है का। सुनो। अरे नहीं बाबा, है सब है का, ऐसी बात नहीं करो यार। अरे फिर अपने मुंह से बताओ ना क्या बीमारी है। तो बताते हैं, हमारे वहाँ तकलीफ है। हाँ? आंखों में। जैसे ही 12 बजते हैं ना तो हमारी आंखों में एक्सरे मशीन लग जाती है और हमको सामने वाला एकदम नंगा दिखाई देने लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हें सब लोग नंगे नजर आते हैं। अच्छा मजाक है। अच्छा नहीं मजाक नहीं है, क्या बात करते हो साहब, ये हमारी खानदानी बीमारी किताब में कहाँ ढूंढ रहे हो, किताब में थोड़ा ही मिलेगा, हमारी जबान में मिलेगा। अच्छा अच्छा बताओ तुम्हें क्या होता है। अरे साहब हमारी तकलीफ तो बहुत ज्यादा है। जैसे ही 12 बजता है ना तो हमारे सामने जो आदमी खड़ा होता है उसकी खट 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 एक एक करके सब कपड़ा गायब हो जाता है। अब जैसे आप अभी 12 बजे अगर आप हमारे सामने खड़े रहें तो आपका ये कोट ये कमीज ये पतलून सब गायब हो जाएगी और आप हमको खाली चड्डी में दिखाई देंगे, वो भी अगर आपने पहनी हो तो। वेरी गुड जोक, आई लाइक इट। अरे सुनो भाइयों, ये नया मरीज आया, इसकी आंखों में एक्सरे लगा है, कहता है 12 बजे इसे सब लोग नंगे नजर आते हैं। नंगे। देखो तुम्हारी तरफ क्या देखो, फटी हुई चड्डी पहन के खड़े हो, बोलते मेरी तरफ देखो। फटी हुई और क्या, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने फटी चड्डी पहनी है। तुमने पीली चड्डी नीली और पीली धाड़ी वाली नहीं पहनी हुई है। इसको कैसे पता चला, मैंने पहले बोला। आंखें बंद कर लो। नहीं नहीं आंखें बंद करूंगा तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, फिर चड्डी भी गायब हो जाएगी, पूरे नंगे दिखाई दोगे। अरे बाप रे, आंखें ढक लो ना हाथों से। अगर हाथों से आंखों को ढकूंगा तो मेरे को दीवार की उस तरफ का दिखाई देगा। हां दिखाऊं। हां क्या हुआ। जी 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 जी, तोबा तोबा तोबा, डॉक्टर साहब आपके पास जहर है। है क्यों, मैं फौरन पी लो एक गिलास। नहीं लेकिन क्या हुआ, उधर है ना आपका कंपाउंडर, आपकी बीवी को है ना। अच्छा अच्छा, वो पप्पी बोरी है कलाइया पहना दो तुझे हरी हरी चूड़ियां। अबे अबे तेरे तो मैं तुम नौकर लगा दो तुझे नाले, मेरी बीवी ने तुझे पहना रहा था। मैंने सही कहा था ना। तुमने बिल्कुल सही कहा था, इसका मतलब हम सब नंगे। अरे पूरे नंगे दिखाई दे रहे। भागो हे भगवान, ये हमारा बाप कैसा नंगों का खानदान पैदा कर दिया है। एक भाई को नंगा देखने की बीमारी है तो दूसरे भाई को नींद में चलने की बीमारी है। खन, खन। सारी रात नहीं सोने देती, रात भर खर्राटे भरती रहती है, मानो इंजन में कचरा भर गया हो। हट। भगवान बचाए ऐसी जरूर से औरत है कि आफत।
करत हो कलवा के बापू? नखराटे के साथ नींद में बोलने की भी बीमारी हो गई है। अरे भगवान बचाए ऐसी जोरू से। छोड़ो ना जी, अभी तबीयत ना ही है ना। तेरी तबीयत तो मैं ठीक करता हूँ। अबे भोला तू, तेरी है हिम्मत? क्या नाज हो भोला, हे राम। मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ? अभी तो यही हो बचवा, थोड़ी देर में ऊपर पहुँचाए दूंगा। ये मजा, ऐसा मत करो, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे छोड़ दो ना दादा दी, मुझे छोड़ दो। अरे मुझे छोड़ दो दादा दी, अबे मैं छोड़ दो, अबे कुछ करो। अरे भाग के कहाँ जाओगे हराम को, तुमको चिंता ना छोड़ेंगे। अरे भाग आप कहाँ हराम को, क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? अरे दादा दीन काहे मार रहे हो बेचारे को? अरे मारने दो, तोरे बाप का काहे जाता है? वैसे दादा दीन इसने किया क्या था? अरे लाला किया क्या था? किया ये था कि हमारी बीवी से लिपट लिपट के जुम्मा ले रहा है। वो तो नींद में हम उठ गए, खटका भाया, वरना हम गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते। अरे हम कहते हैं माँ जूता लेके उसमें घोड़ा के नाल लगा के गपा गप मार मार के उसका टकला तला सुझाई दो, ये हमारी नाक कटवाई के गांव में फेंकवाई देगा। अबे तोले तोले, तू जो हर रोज 12 बजे पनघट पर नजारा करता है, वो तो हम बीमार हैं। हाँ बीमारी का मजा लूटता है, उससे क्या खानदान की नाक लंबी हो जाती है क्या? हम कहीं नहीं जाते हैं। अरे उस दिन 12 बजे तू उस मुरली की बीवी को नहीं देख रहा था? हे भगवान, अरे बुरा हो इनके बाप का। अरे इन दोनों की बीमारी इनके बाप को भी थी, मरने से पहले बीमारी का बंटवारा करके चला गया, अब जायदाद का बंटवारा करता तो हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अम्मा तो इनकी शादी काहे नहीं करवा देती? दोनों इधर उधर मुंह मारना बंद कर देंगे। अब इन्हें कौन समझाए, मुझसे कहते हैं जब तक इनके सपनों की रानी नहीं मिलेगी तब तक ये शादी नहीं करेंगे। लूट गई? अरे मुझे लूट लिया रे। अरे बाप रे, अरे बिजली लूट गई, बिजली लूट गई, लूट गई। अरे कौन लूट गई, कौन लूट गई, कौन लूट गई, कौन लूट गई? बिजली लूट गई। कहीं रात को सोते में तूने तो नहीं लूट लिया? नहीं, मैं रात भर उसकी तरफ देखकर जाग रहा था। तूने तो नहीं लूटा? नहीं, मैं तो रात को आंखों के डॉक्टर की मैयत में गया था। फिर किसने लूटा? चल 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 के पूछते। तुम? अरे राम राम, मैंने कहा लूटा भैया? मैंने भी नहीं लूटा भैया, मैंने नहीं लूटा। सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारी तो तकदीर ही खराब है, यहाँ लूट मार मची थी, हमको पता ही नहीं चला। का गांव वालों ने लूटा? नहीं, हमारे साथियों ने लूटा ना। फिर का लूटा? हमारा पूरा पैसा लूट लिया ना। पैसा लूट लिया? ये तोरा सत्यानाश हो। वो हमारा भाई कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। जिंदगी भर की पूरी कमाई लूट ली अम्मा, अब हम क्या करें? पैना, अब हम उनको कहाँ ढूंढे? हमरा इस दुनिया में कौनो नहीं, हम कहाँ जाए, कहाँ रहे? हमरे घर में आ जाओ, हमरे घर में। बहुत जगह है, बहुत जगह है। वो नहीं, वो भैंस भैंस के पिछवाड़े नहीं। बेटी, आज से तुम हमारे गांव में रहोगी और ये सब गांव वाले मिलके तुम्हारे लिए घर बनाएंगे। काम करना। हमारे खातिर कितना कष्ट उठा रहे हैं आप लोग। अरे कष्ट की कोनो बात नहीं रानी, एक इशारा कह दो कसम से जान दे दे तोरे बदले। हाँ। ना ना ऐसा मत करना, जान दोगे तो हमारे घर की जगह तोरी कब्र बनानी पड़ेगी कसम से। मोरे भैया के कमरे में दरवाजे का काम है, मोरे भैया के दिखता नहीं का। तो देख के खड़े रहो, गिर रहा है। किसका दरवाजा उठा लाए? अपने भाई के कमरे का दरवाजा उखाड़ लाए। काहे? काहे कि उसको रात को नींद में चलने की आदत है ना। हाँ।
रात बिरात उठता है, जाके दरवाजे से टकराता, भड़ से गिर के जमीन चाटने लगता है। एक दिन तो ऐसे टकराया कि उसका मुंह जो है बिल्कुल तकिया के भांति चपटा हो गया। पता नहीं चला कि उसका मुंह कहाँ है, उसकी आंख कहाँ है, उसकी नाक कहाँ है, इसलिए वो घाट लाए। अच्छा किया। छत भी ले आए? नहीं नहीं, तो कोई काम तो दो। अरे अब हम तुमका का काम है? कई लोग कटिया जाड़ा लगे। ये किसकी कटिया उठा लाए? कटिया भाई की। तो ये, अरे तो ये कहाँ सोएगा? कौन? हमरा भाई। वो सोता का है? रात भर हमारे दरवाजे के बाहर पहरा देता है। हमें नींद में चलने की बीमारी जो है ना। अच्छा तो ई बात है। और नहीं तो का? खाट खाली पड़ी थी, माँ कहती थी बेच दो, हम कहते थे रहने दो, भाई मरेगा तो उसे शमशान ले जाने के लिए काम आएगी। अब तुम आ गई हो तो हमने सोचा कि भाई को शमशान ले जाने तक तुम्हारे काम आ जाएगी, इसलिए उठा कर आया। पहुँचाएगा साला चोरी तो शमशान पहुँचाएगा। तुम कहाँ जूते पे मुंह मारने चले आए? अरे ओ तोले की ओला। अरे माफ करना, जूता हाथ से तो नहीं लगा? नहीं। आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? अकेले नहीं, फौज लाया हूँ, फौज। ये फौज कहाँ जा रही है? अपने अपने मर्दों की पिटाई करने। अच्छा वो हमारी शादी नहीं हुई? बहुत मारना छोड़ा नहीं। ये क्या कर दिया आपने? भगा दिया ना, अब हमारा घर कौन बनाएगा? अरे 12 बज गए लाला जी, ललाइन इंतजार करते करते थक जाएगी, और कितना तरसाओगे? अरे तनिक तरसते दो, तड़पने दो। वो कहती है ना कि गर्मा गर्म जलेबी फूक फूक के खानी चाहिए, नहीं तो ससुरी जबान जल जाती है। अरे लाला जी, ललाइन के रूप की बड़ी तारीफ सुनी है। कहते हैं सात गांव में इससे सुंदर कोई नहीं। तनिक इसके रूप का बखान तो करो लाला जी। अरे भैया का बखान करें, हम ठहरे खानदानी आदमी। बिल्कुल। और हमारे खानदान में शादी से पहले वर वधू एक दूसरे की सूरत तक नहीं देखते, पर सुना है बहुत सुंदर। हाय दैया, क्या गबरू जवान है, आज तो मजा आ जाएगा। प्रणाम। मेरे अंगनी में तुम्हारा क्या काम है, मेरी अंगनी में तुम्हारा क्या काम है, अबे मेरे अंगनी में तेरा क्या काम है। अबे तू। हाय राम। मैं कहाँ हूँ? तू कहाँ है? अरे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूछे कहाँ है? मैं जा रहा हूँ। हाय भैया, खबरदार लग रहे जो मेरे पति पर हाथ उठाया तो। अरे मुझे लंगड़ा बोलती है? हाँ, तू लंगड़ा, तेरा बाप लंगड़ा, तेरा खानदान लंगड़ा। मार उसको, मार उसको, मार 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 मार। मेरे पति को मारा, मैं तेरी दूसरी जान दूंगी। अरे छोड़, अरे छोड़। ए बहू, तुझे शर्म नहीं आती अपने पति को मारते हुए? ये मेरा पति है तो ये कौन है जो मेरे साथ सुहागरात मना रहा था? हाय दैया, ये तो भुलवा है। अरे शांत रहो, शांत रहो। काहे मारा था? अरे तेरे बाप का कहाँ जाता है मारते तो? अरे हमारे दोनों के बाप का जाता है, ये मुझे मार रहे हैं ना? अच्छा है जो मारते हैं। अरे देखते क्यों, मारो सारे को, मारो। अरे काहे मारोगे, आखिर हुआ काहे, कुछ बताओगे? अरे मारे नहीं तो क्या, इसकी आरती उतारे? हमारी नई नवेली दुल्हन के साथ सो रहा था ससुरा। ये तो बहुत खराब बात है। अरे बोटी बोटी नोट डालूंगा। अरे खाली तुम बोलते रहते हो, बोटी करते तो हो नहीं। अबे हट सामने से। अरे उस दिन तो बहुत हमार मजाक उड़ावत रहे लाला, बलवा बीमार है, बीमार है, बहुत साथ दे रहे थे ना इसका। आज का है कमे की तरह गरम हो रहे हो लाला। अरे गरम कैसे नहीं होंगे, शादी का आदमी रोज रोज करता है? नहीं। सुहाग रात हर रात को मनाई जाती है? नहीं। शादी कौन किया है? पैसा कौन खर्चा किया? और सुहाग रात कौन मना रहा था? पटा इसके बाप का राज है, वो भी भोगट में, बोलो। अरे भैया वो तो हम बकत पे पहुंच गए, वरना ये तो हमारी लुगाई के साथ सुहागरात मना चुका होता, वो भी हमारे बगैर। अरे बहुत लफाड़िया है, हर रात को किसी ना किसी की जुरुआ के साथ सो जाता है, आज इसको मार के हमेशा के लिए लुड़काई दो। आज इसके हाथ पैर नहीं तोड़े
तो मैंने भी अपने माँ का दूध नहीं पिया। चलो हमला। बिजली बिजली प्यारी बिजली 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 को लाऊंगा मैं धुआं बना के, बिजली को लाऊंगा मैं जोरू बना के, बिजली को लाऊंगा। क्या बे? मैं तुझसे हजार बार कह चुका हूँ और आज आखिरी बार कह रहा हूँ, और आखिरी बार के बाद जो बार आता है उस बार से कह रहा हूँ कि मेरे रास्ते से हट जा। अबे तेरा कौन सा रास्ता? रात को नींद में चलने वाला लकड़ा भग्गा, तेरा कौन सा रास्ता बे? बिजली का रास्ता। बिजली? तेरा बिजली से क्या लेने देना बे? अरे मेरे भेजे की मलिका, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का सुरूर, मेरे पेट की ठंडक। अरे और क्या है रे? मैंने तुझसे कितनी मरतबा कहा बिजली का नाम लेने से पहले कुली कली आकर उसका नाम मैला हो जाता है, और जब वो तेरे सामने आया करे तो कालीन की तरह बिज जाया कर। वो तेरी होने वाली भाभी है। वो मेरी होने वाली भाभी नहीं, वो तेरी होने वाली भाभी है। देखा नहीं कितने प्यार से देखती है मुझे। वो क्या हुआ, हर भाभी देवर को प्यार से देखती है। अच्छा तो आज फैसला हो ही जाएगा कि वो किसकी भाभी है और किसकी बीवी है। मंजूर है, चलो आओ। झाड़ू की तलवार से तू मेरी गर्दन काट डाल, अगर तू मेरे अरमान मेरे कलेजे से उखाड़ नहीं सकेगा। बिजली मेरी थी, बिजली मेरी है, आगे मत बढ़। बिजली मेरी रहेगी, आगे मत बढ़। दैया नहीं, ये बिजली का भैया है। ये कैसा दिख रहा है? क्या आदमी इतनी हल्दी गिरा दिया? ये तो अच्छा हो मेरे कपड़े खराब नहीं हुए, तुमको तो नहीं लगा ना? नहीं। बिजली का छोटा भैया, अब ये देखो बिजली का पीला भैया। क्या रे? क्या रे? भैया किसको बोलता है? अरे अरे कपड़े क्यों फाड़ रहे हो? अभी तो नए बनवाए थे। हे भगवान, मैं क्या करूं इन बच्चों का। अरे बिजली आ गई तू? आजा आजा, आ तुम लोग भी आओ। भोला भैया, ए तेरे को बुला रही। आजा चलो। भोला भैया, हम आपको राखी बांधने आए हैं। अरे हाथ आगे बढ़ा ना। अरे तोला भैया कहाँ गए? अरे तोला, अरे वो इधर गया होगा, पकड़ के ले आओ उसे। बांधो उसको भी राखी। अरे अरे देखो, हमारी तबीयत बहुत खराब है, हम बहुत परेशान हैं। अरे क्या क्या कर रहे? अरे नहीं देखो, ये इतनी सारी राखी काहे के वास्ते? हाँ से ये सब तेरी बहने हो गई। ये चलेंगी, ये बिजली तो नहीं ना? हाँ? बिजली भी तेरी बहन हो गई, समझा? भाई का कान पकड़ते तेरे शर्म नहीं आती? चलो मापू दूसरे गांव में जाके रहेंगे। अरे चुप रहे, कुछ भी बकता रहता है। चलो चलो दूसरे शिकार पे चलना है। संभाल के अपने पति को मत बांध देना।